सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आजकल हम बच्चों वितान में से आपका पाठ 2 रविंद्र की कलम से पढ़ रहे हैं। इसको किसने लिखा ये सभी आप जानते हैं, बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक जो एक साहित्यकार भी हैं, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आपको पता है बच्चों, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, ये भी रविंद्रनाथ जी ने लिखा है। वो प्रतिभा के धनी थे। तो बच्चों, आपको कहानी तो पता ही है रविंद्र की। जब वो मात्र 8-9 साल के थे तो कैसे मझली भाभी पक्षियों को कैद करके गई थी पिंजरे में, और रविंद्र का मन कितना दुखी हो गया था, और उन्होंने कैसे पिंजरे में से पक्षियों को आजाद किया था, ये सब आपको पता है। ठीक है बच्चों, अब इस पाठ में से आज हम इस पाठ के शब्द और प्रश्न उत्तर, इसका कार्य मैं आपको समझाऊंगी। ये बच्चों इस पाठ का आपके शब्द अर्थ है, ये देखिए। पहला शब्द है हमारा भाते। अब बच्चों भाते का क्या अर्थ है? भाते जैसे कि आप कहते हैं मुझे दूध पीना बहुत भाता है, या कोई बच्चा बोले मुझे क्रिकेट खेलना बहुत भाता है, तो भाता का अर्थ हुआ बच्चों पसंद आना। ठीक है, भाते का क्या अर्थ हो गया हमारा, हमें जो अच्छा लगता है। ये देखो भाते मीन्स अच्छा लगता है, अच्छा लगना। डार, अब डार का अर्थ होता है बच्चों समूह, ग्रुप जिसे कहते हैं, है ना। जैसे उस टाइम बच्चे पतंग उड़ाते थे समूह के समूह में, डार पक्षी समूह में उड़ते थे, तो यहाँ पे डार का अर्थ जो है वो समूह से है। फिर आपका तीसरा शब्द है आपका होड़। अब होड़ का क्या अर्थ है बच्चों, कंपटीशन, है ना। जैसे आप कहते हो ना मेरे दोस्त से होड़ लगी है कि इस बार परीक्षा में कौन प्रथम आएगा, तो होड़ यानी कि बेटा आपका हो गया मुकाबला। ठीक है, होड़ का मतलब हो गया मुकाबला। फिर है आपका विस्तृत। विस्तृत का अर्थ होता है बच्चों फैला हुआ, जिसका कोई अंत ही नहीं, कितना फैला हुआ, जैसा कि आपका आसमान आकाश कितना फैला हुआ है। आप दुनिया के किसी किनारे पे चले जाओ, किसी छोर पे चले जाइए, आपको आकाश नजर आएगा, उसका कोई अंत नहीं। जैसे सागर कितना विस्तृत होता है, हमें उसका अंत नहीं दिखाई देता, है ना। तो विस्तृत मीन्स बहुत फैला हुआ। आपका अगला शब्द है बच्चों मछली, है ना। जैसे मछली भाभी कौन थी, वो रविंद्र की मछली भाभी थी ना जो पक्षी लाई थी, तो मैंने आपको क्या मतलब बताया था बच्चों, मछली का बड़ी से छोटी, या कहेंगे हम छोटी से बड़ी, यानी कि जो बीच की है, बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी, तो वो होता है मछली। मछली मीन्स बड़ी से छोटी। फिर है बच्चों आपका अत्याचार। अत्याचार बच्चों हमें कभी किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए, या अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, है ना। किसी भी, चाहे वो कोई भी प्राणी हो जानवर हो, बिना कारण के कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। तो जैसे पिंजरे में चिड़ियों को बंद कर दिया था, तो एक तरह से उन पर अत्याचार था, तो अत्याचार का मतलब हो गया बेटा जुल्म। फिर है बच्चों आपका प्राणियों। इस धरती पर जितनी भी जीव जंतु हैं वो सभी प्राणी कहलाते हैं, तो प्राणियों का अर्थ हो गया यहाँ पे जीवों। फिर है रुआसा, यानी कि रोने को। जैसे मछली भाभी ने रविंद्र को डांटा था, तो वो रुआसा सा हो गया था, यानी कि वो रोने जैसा हो गया था, उसका मन कर रहा था कि वो फूट फूट कर रोए, लेकिन रो नहीं पा रहा था, है ना, तो उसका अर्थ होता है रुआसा। फिर आपका है स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ होता है बेटा आजाद, है ना। जैसे हम कहते हैं हमें हमारे देश से 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, अंग्रेजों से आजादी मिली थी हमें, तो ये फ्रीडम, है ना। तो स्वतंत्र का अर्थ हो गया आजाद। फिर है आपका अवसर। अवसर का अर्थ होता है बच्चों मौका। जैसे ही रविंद्र को मौका मिला, अवसर मिला, उसने चिड़ियों को पिंजरे से निकालकर आजाद कर दिया, है ना। फिर आता है आपका क्रोध, यानी कि गुस्सा। मछली भाभी को कैसा गुस्सा आ गया था, कितना क्रोध आ गया था जब उसने पिंजरा खाली देखा, है ना।
फिर आता है अनुचित। अनुचित यानी कि गलत, किसी को भी बिना कारण से परेशान करना अनुचित होता है, यानी कि गलत होता है। तो बच्चों ये जो आपके शब्द अर्थ हैं इस पाठ के, आप इनका अभ्यास करेंगे, याद करेंगे और किसी भी अपनी नोटबुक में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखकर इसका कार्य करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अभी आप इन शब्द अर्थों का अभ्यास करेंगे, प्रश्न उत्तर मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बच्चों, अपना ध्यान।